नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। इस वक्त पश्चिम एशिया में बहुत बड़ी हलचल है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल में है। इजराइल हमास युद्ध के 12वें दिन स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है। गाजा के एक अस्पताल में रॉकेट गिरने से करीब 500 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे पश्चिम एशिया में जैसे आग लग गई और जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पश्चिम एशिया के देश इजराइल पर हमला करने की बात लगातार कह रहे हैं और जानकार अब ये कहने लगे हैं कि कहीं ये युद्ध विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। अस्पताल में अटैक से विश्व युद्ध का अलर्ट। युद्ध में ईरान आएगा, विश्व युद्ध कराएगा। गाजा के अस्पताल में बम बरस रहे हैं। लेबनान सीमा पर आतंकी हिजबुल्ला युद्ध में उतर चुका है। जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ईरान, तुर्की, कभी भी फिलिस्तीन इजराइल युद्ध में उतरने का ऐलान कर सकता है। इस वक्त पश्चिम एशिया में आग लगी हुई है। अलग अलग देशों में हजारों लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सख्त पर हैं। भी बड़ा हो सकता है। इजराइल ने एक बार फिर गाजा को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। इजराइल के तेवर साफ हैं। वो ऐसे किसी भी देश को बख्शने के मूड में नहीं है जो उन पर हमला करेगा, फिर चाहे वो फिलिस्तीन हो, जॉर्डन हो, लेबनान हो, सीरिया हो या ईरान और तुर्की। करने में देरी नहीं करेगा। पहला संकेत, दुनिया के तीन अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध जारी है। इजराइल फिलिस्तीन, रूस यूक्रेन, अजरबैजान आर्मेनिया, सीरिया में गृह युद्ध जारी है। दूसरा संकेत, छोटे छोटे युद्ध में महाशक्तियों की एंट्री होने लगी है। इजराइल फिलिस्तीनी युद्ध में अमेरिका, जर्मनी, रूस, चीन, ईरान जैसे देश अपने अपने समर्थक देशों का पक्ष लेने लगे हैं। तीसरा संकेत है, दुनिया के कई देशों में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। आर्थिक मंदी अक्सर युद्ध का कारण बनती है। और चौथा संकेत, युद्ध के अलावा कुछ देश ऐसे हैं जो कभी भी युद्ध में उतर सकते हैं। इन देशों के बीच कई विवाद जैसे चीन और ताइवान, भारत और पाकिस्तान का सीमा विवाद, भारत और चीन का सीमा विवाद है। पहुंच गया है। स्थानीय आतंकी संगठन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। वो एक देश में मौजूद रहकर विश्व के किसी भी देश में अस्थिरता पैदा करने में सक्षम होने लगे हैं। यही नहीं, इन आतंकवादी संगठनों की कट्टर विचारधारा के समर्थक भी तेजी से बढ़े हैं। हमास इसका बड़ा उदाहरण है, जिसे उसके समर्थक फ्रीडम फाइटर बताते हैं। ये वो पांच संकेत हैं जो पिछले एक दशक से मिल रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ती जा रही है। तीसरे विश्व युद्ध की आहट अब केवल विचारों में नहीं रह गई है। इन संकेतों को अब हर देश समझने लगा है। बॉर्डर में सत्ता का एक केंद्र नहीं, बल्कि दुनिया के कई देश क्षेत्रीय महाशक्ति बनने की ओर बढ़े हैं। इसकी वजह से अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों का दबदबा कम हुआ है। इस समय रूस, चीन, ईरान, तुर्की जैसे देश मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है। इनका मानना है कि मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर पश्चिमी देशों के हितों के लिए बनाया गया है। ये देश हर हाल में नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। रूस पूर्वी यूरोप में अमेरिका का दखल नहीं चाहता है। चीन ताइवान और दक्षिण चीन सागर में अमेरिका का दखल नहीं चाहता है। वहीं तुर्की एक बार फिर से उस्मानिया सल्तनत का विस्तार चाहता है।
इसराइल के साथ इस वक्त दो देश खड़े हैं, जिसमें पहला है अमेरिका। अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने दो वॉरशिप को भी उतार दिया है। इन पर अमेरिकी फाइटर जेट की मदद के तौर पर ये वॉरशिप उतारे हैं। यही नहीं, अमेरिका ने ईरान और दूसरे देशों को इस युद्ध में न आने की अपील की है। हालांकि वो इसराइल से भी गाजा पट्टी पर कब्जा न करने के लिए कह रहा है। ईरान की धमकी के बाद अमेरिका ज्यादा सतर्क हो गया है। अमेरिका ने जमीनी हमले में इसराइल को मदद पहुंचाने के लिए अपने 2000 मरीन सैनिकों को मैदान में उतार दिया है और अमेरिकी सैनिक इसराइल को जमीनी स्तर पर लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, युद्ध की स्थिति में अगर ईरान या अन्य देश उतरते हैं तो ये इसराइल के साथ भी खड़े हो सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अपने एक बयान में कहा है कि अगर इसराइल गाजा में सेना भेजता है तो मुस्लिम देशों को उन पर हमले से कोई रोक नहीं सकता। यानी इसराइल अगर गाजा में सेना भेजता है तो 22 देशों की अरब लीग इस लड़ाई में शामिल हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका समेत पश्चिमी देश भी इसराइल के समर्थन में युद्ध में शामिल हो जाएंगे। पश्चिमी देशों के मैदान में आते ही रूस और चीन भी युद्ध में डायरेक्ट या फिर परोक्ष तौर पर समर्थन करेंगे, जिसका नतीजा तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। गाजा के अहलिया एक शोर ने सबको दहला दिया। रॉकेट का एक ऐसा भयानक शोर गूंजा जिसे कई किलोमीटर तक सुना गया। सिसकियों की ऐसी आवाज गूंजी कि पूरी गाजा पट्टी दहल उठी, और इस हमले में लाशों का एक ऐसा ढेर नजर आया जिसे आज तक ना किसी ने देखा था और ना जिसके बारे में किसी ने कभी सुना था। हमास ने आरोप लगाया कि इस हमले के पीछे इसराइल का हाथ है। उसकी घातक मिसाइल ने गाजा में नरसंहार मचाया, तो इसराइल ने इस आरोप से साफ इनकार कर दिया। उसका दावा है कि आज तक ना उसने कभी नागरिकों को निशाना बनाया और ना ही अब तक ऐसी कोई मिसाइल दागी। दुश्मन के किले में जब मिसाइल दस्तक देती है तो किसी का नाम और पता नहीं पूछती। आसमान को गुबार से भर देती और लाशों का ऐसी तस्वीर देर रात गाजा में दिखी, जब एक मिसाइल ने गाजा के अस्पताल में बर्बादी का इतिहास लिख दिया। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि गाजा के अल अहली अस्पताल पर मिसाइल से हमला किया। इस हमले में 500 से ज्यादा बेकसूर लोग मारे गए और सैकड़ों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। इस हिमाकत को हमास ने हमास ने साफ कर दिया है कि मौत का बदला अब हमास का एक एक योद्धा इसराइल में तबाही मचा कर लेगा। इसराइल की जमीन को गाजा की तरह खून से लथपथ कर देगा। इसराइल में इतनी मिसाइलें दागी जाएंगी कि इसकी गूंज अमेरिका तक सुनाई देगी। इससे न ब्रिटेन बचेगा, न जर्मनी और न ही फ्रांस। يتحمل مسؤوليتها الامريكان الذين اعطوا الغطاء اللامحدود لهذا العدو ليرتكب هذه المجازر هذه جرائم الحرب هذه الإبادة الجماعية يتحمل مسؤوليتها ورفضوا الغطاء مجلس الأمن ورفضوا إدانة هذا الاحتلال وهذا العدوان. गाजा अस्पताल में विस्फोट के बाद फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अपनी जॉर्डन की यात्रा को रद्द कर दिया। उन्होंने फिलिस्तीनी अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की और इस अटैक की निंदा की। जरा هذه الليلة فاجعة كبيرة ومجزرة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها او ان نجعلها تمر.
गाजा सिटी अस्पताल में जिस वक्त हमला हुआ, चारों तरफ मातम पसर गया। अस्पताल का हर कोना लोगों की चीखों से गूंज उठा। जान बचाने के लिए जख्मी हालत में लोग इधर उधर अस्पताल में भागते रहे। जो अस्पताल से बाहर निकल गया वो बच गया, बाकी मौत की आगोश में सो गए। गाजा के अस्पताल में हुए इस नरसंहार को इजराइल स्वीकारने को तैयार नहीं है। उसने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई भी मिसाइल को इजराइल ने अस्पताल को टारगेट करके नहीं दागा। טרם יש בידינו את כל הפרטים, אנחנו נבדוק. קשה לעמוד מיד, זו הייתה תקיפה שהייתה לפני זמן קצר, וכבר יש מספרים כאלה, לכן אנחנו נעמוד על הפרטים, נדע את העובדות בצורה מדויקת ונעדכן את הציבור. इजरायली सेना ने तो यहाँ तक कह दिया है कि युद्ध के दौरान ऐसे न जाने कितनी मिसाइल और रॉकेट दोनों तरफ से दागे जाते हैं, जो फेल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं तबाही मचाने के लिए। इजरायल का अब तक ऐसा कोई भी रॉकेट फेल नहीं हुआ जो के अंदर अच्छी तबाही का कसूरवार हमास ही है, जिसके दागे मिसाइल ने वहाँ के अस्पताल में नरसंहार मचाया और 500 लोगों की मौत हो गई। ויש גם הרבה דיווחים כוזרים של חמאס. נכון שאנחנו נלמד את הפרטים וניתן לציבור את האמת. इजराइल और फिलिस्तीन के अधिकारियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। इस विस्फोट के बाद वेस्ट बैंक और मध्य पूर्व के आसपास विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि 2008 के बाद से जारी इस जंग के बीच ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था, जिसमें एक साथ 500 लोगों की मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। वर्चस्व के लिए युद्ध भले हमास और इजराइल में जारी हो, लेकिन के खून से लाल हैं और बर्बादी के अमिट निशान सरहद पर बनते जा रहे हैं।